मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के कॉलोनी में दो दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों के जमकर उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में करीब 30 से 40 अज्ञात लड़कों ने बवाल काटा है। तोड़फोड़ और हंगामे के बाद इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक रविवार की रात करीब 10 बजे के आसपास मानखुर्द इलाके में करीब 30 से 40 लड़कों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हाथों में इनके डंडे और तलवार लेकर ये पीएमजीपी कॉलोनी में घुस गए और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। अचानक हुए इस घटनाक्रम में क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद उपद्रवी फरार हो गए हैं। सूचना मिलने पर कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एडिशनल लेवल के अधिकारी खुद मौके पर मौजूद है और मानखुर्द पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महादेव पी कोले ने बताया है कि घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो और मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए लोगों से वीडियो या सीसीटीवी फुटेज पुलिस से साझा करने की बात कही है। आपको बता दें ये मानखुर्द का इलाका है मुंबई का, जहां रात करीब 10 बजे के आसपास में कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है करीब 30 से 40 गाड़ियां जो कॉलोनी में खड़ी थी उन्हें तोड़ दिया गया है। कार्रवाई अभी चालू है, 11:45 से 11:15 के बीच में का कुछ घटना है। वो कुछ बच्चे आए थे, 15-20 लड़के, फिलहाल यही मालूम है, आके उन्होंने गाड़ी से लाठी से बम्बू से गाड़ी की तोड़फोड़ की है। आगे उनका फिरियाद के लिए हम लेके गए, उसकी फिरियाद का काम चालू है, FIR दर्ज करने का काम चालू है। कितने लोग थे सर वो लगभग और कितनी गाड़ियों को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया? अभी गाड़ियां तो अभी फिलहाल तो 10-15 दिख रही है, लेकिन जो पंचनामा होगा उसके बाद तो क्लियर हो जाएंगे एग्जैक्ट कितना गाड़ी है। सर आरोपी कुछ नाम निष्पन्न है, अभी तक उनको ले लिया है, चालू है, काम चालू है।